हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट नौशरजा व्लॉग्स। वेलकम है आपका मेरे चैनल पे। बस फ्रेंड्स, ये थी कल की वीडियो है। मैं बहुत जल्दी जो है अपलोड कर नहीं पाई इसको, तो बस हस्बैंड को जो है थोड़ा काम था, थोड़ा शूज़ वूज़ देखना था, तो बस हम लोग यहाँ सिटी सेंटर आ गए थे। तो बस स्केचर में देख रहे थे शूज़, और बस बहुत अच्छे तो नहीं थे, सब पुराने डिज़ाइन थे, कुछ लेटेस्ट नहीं आया। हालांकि ऑफ भी चल रहा था, अच्छा डिस्काउंट था, बट यही है ना कि पसंद आ जाए तो इंसान थोड़ा सा कॉस्टली भी एक्सपेंसिव भी चीज़ ले सकता है, लेकिन डिपेंड करता है पसंद पे। वरना जितना भी कहते नहीं है, कितना भी रीज़नेबल प्राइस पे हो, महंगा हो, अगर पसंद नहीं आया तो फिर बात नहीं बनती है। तो बस यहाँ पर हम लोग आए थे, और मैं स्पाइकर भी आई थी, जीन्स वीन्स लेना था, थोड़ा इनका सामान लेना था, कपड़े वपड़े, बट उसकी मैं वीडियो बना नहीं पाई, वरना वो भी आप लोग देखते हैं। तो मैंने कहा चलो बस जो भी थोड़ा बहुत है अच्छे से शूट कर लूँ आप सबके लिए। तो बस आप लोग भी देखिए, इंजॉय करिए मेरे साथ। और बस फिर हम लोग स्पाइकर से निकल आए थे, तो इसी के पास जो था वॉकवे था, तो मैंने कहा चलो एक बार वहाँ भी चेक कर लेती हूँ, हो सकता है कुछ समझ में आ जाए। तो बस फिर हम लोग फिर वहाँ चले गए थे, और बस ये होता है पहले मैं आ गई थी, तो मैंने तो खैर जीन्स वीन्स ले ली, जो भी लेना था ले लिया। पर शूज़ तो ये होता है कि इंसान अपनी पसंद से साइज़ और सारी चीज़ें देख के ही समझ में आता है। मैं ले आती, इनको ना पसंद आता तो भी प्रॉब्लम, तो इससे बेटर था कि मैंने कहा चलिए आप अपनी पसंद से ही ले लिए। तो बस फिर ये भी आ गए थे ऑफिस से, सीधा सिटी सेंटर आ गए थे, तो मैंने कहा चलिए आप अपना खुद ही देख लिए, खुद पसंद इंसान करता है तो फिर ये कि ज़्यादा सही रहता है, और किसी दूसरे की पसंद में भी हो सकता है ना पसंद आए, तो फॉर्मेलिटी होती है, तो फिर इससे बेटर है कि इंसान खुद ही देख के पसंद करे। बट वॉक अवे में भी इतना कोई ख़ास कलेक्शन था नहीं फ्रेंड्स, यहाँ पे भी वैसे कोई डिस्काउंट नहीं था। स्केचर्स में तो था, बट यहाँ पे एडिडास, लिबर्टी और इन सब की ब्रांड्स थी, बट इतना कुछ ख़ास था नहीं यहाँ पे। मुझे थोड़ा सा कैजुअल उसमें देखना था, फॉर्मल्स में इतना नहीं देखना था, पर यहाँ पे जो था थोड़ा कैजुअल भी था लेकिन फॉर्मल भी कलेक्शन काफ़ी था। लेकिन भाई ये कि कुछ इतना ख़ास इनको पसंद नहीं आया, तो मैंने कहा ठीक है चलिए फिर यहाँ पे से भी निकलते हैं। बस मैं साथ साथ बताती जाऊँगी, आप लोग वीडियो इन्जॉय करते जाइएगा। फ्रेंड्स बात यह है ना, मेरी आवाज़ आपको बहुत थोड़ा अलग लग रही होगी, क्योंकि यहाँ पर ना थोड़ा मौसम इतना ज़्यादा चेंज हो रहा है, कभी इतनी सर्द हवाएँ चलने लगती हैं, कभी इतनी तेज़ धूप निकल आती है, तो मौसम का भी पता नहीं है कि एक्चुअल में क्या मौसम चल रहा है, ठीक है। तो इसकी वजह से आवाज़ वाज़ सब चली गई है, ठीक है। और सर में भी आजकल बहुत दर्द हो रहा है, और कोल्ड कफ भी बहुत ज़्यादा ही चल रहा है। हस्बैंड को भी समझ लिए कल से बहुत ज़्यादा कोल्ड कफ हो गया, उसी में ऑफिस और सारी चीज़ें मैनेज हो रही हैं। और अब यह है कि थोड़ा बहुत मुझको मेरा भी कोल्ड कफ जो है वो स्टार्ट हो गया है। तो बस लेकिन इंसान अपने कहते नहीं है ज़रूरी काम भी करने, भी भाई जब इंसान तबीयत ख़राब हो जाए कुछ हो, लेकिन काम तो करने ही है, काम के साथ तो कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता है। तो बस साथ साथ लाइफ भी चलती रहती है और तबीयत भी चलती ही रहती है, कभी अच्छी कभी ख़राब, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अब हस्बैंड कुछ बेहतर हैं पहले से। लेकिन एक दो दिन, तीन दिन तो कफ बहुत ही ज़्यादा समझ लिया उनको कोल्ड था, बस इसलिए हम लोगों ने आज जो है आइसक्रीम भी नहीं खाई, बियर की नहीं खाई फ्रेंड्स। लेकिन आप आगे देखिए, कुछ मूड बन रहा था कि पिज़्ज़ा खा लें या कहाँ जाएं, तो आप आगे देखिएगा कि हम लोग कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, सब साथ साथ देखिएगा, ठीक है, और इन्जॉय करिएगा फ्रेंड्स। हाँ फ्रेंड्स, यहाँ तो देखिए, यहाँ पर हम लोग वुडलैंड आ गए थे, तो मैंने कहा यहाँ भी शूज़ देख लेते हैं, मे बी अगर यहाँ पर समझ में आ जाए। तो वही बात है, यहाँ पे भी जो भी था ना, बस सब काफ़ी पुराना कलेक्शन था, क्योंकि इससे पहले भी जब भी आए तो मतलब यही सब था, कुछ नया कलेक्शन आया नहीं था यहाँ पे। तो बस यहाँ पे भी सिर्फ देखते ही रहे, कुछ इतना ढंग का पसंद नहीं आया। बस ये एक ब्राउन वाला जो था ना, ये कुछ मुझे अच्छा लगा, बट हस्बैंड को समझ में नहीं आया, पहनना तो उनको ही था, तो मैंने कहा कि फिर अब आप अपनी पसंद से ही देखिएगा, या तो फिर ऑनलाइन ऑर्डर कर दिएगा अगर यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है आपको। तो बस यही सब रहा फ्रेंड्स, तो बस आप भी देखिएगा, और अगर मेरी वीडियो आप सबको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक किया करिए,
चैनल को शेयर करा करिए, सब्सक्राइब करा करिए, ठीक है, और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करा करिए फ्रेंड्स, ठीक है। अब आप लोग भी वीडियो को एंजॉय करिए मेरे साथ। वेल फ्रेंड्स, मैं बताऊँ आप लोगों को, कभी क्या कहा जाता है ऐसा कि लेडीज़ जो होती हैं वो अपनी चीज़ें लेने में, ठीक है, बहुत चूज़ी होती हैं, बट एक्चुअल में क्या होता है, जेंट्स बहुत चूज़ी होते हैं। उनको तो आसानी से कोई चीज़ अच्छी जल्दी लगती ही नहीं है, ठीक है। लेडीज़ को तो एक बार जो भी समझ में आ गया वो लोग फ़ौरन जो है ले लेती हैं, लेकिन जेंट्स भी समझ लिए, इतना देखते हैं इतना देखते हैं, इंसान जो है बस फेड अप ही हो जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे भी इतना कुछ खास इनको समझ में नहीं आया। यहाँ पे ये देखिए कुछ लेडीज़ फुटवेयर थे, तो बस मुझे तो नहीं लेना था, बस इनका ही था, लेकिन इनको भी कुछ इतना खास समझ में नहीं आया फ्रेंड्स, तो बस हम लोग यहाँ से भी निकल गए फिर। लेकिन कलेक्शन यहाँ पे तब भी स्केचर और वॉकवे को देख के ना कुछ बेहतर था, बट यही है कि कुछ जेंट्स भी बहुत चूज़ी होते हैं, तो बस मेरे शोहर भी जो हैं उसी कैटेगरी में आते हैं, जल्दी उनको कुछ अच्छा नहीं लगता है, तो बस मैंने कहा ठीक है चलिए फिर आप ऑनलाइन ही ऑर्डर कर लिएगा अपने लिए। तो बस मैंने कहा यही आप लोगों से शेयर करूं कि आप लोगों के हस्बैंड्स कितने चूज़ी हैं, मतलब आप लोग हैं कि हस्बैंड ज़्यादा चूज़ी हैं। हम दोनों के कंपेरिजन में तो मेरे हस्बैंड बहुत चूज़ी हैं, समझ लिया। बस हम लोग यहाँ से निकल गए हैं फ्रेंड्स, ये यहाँ पर सोच करके है ब्रांड, तो उसका यहाँ पर कलेक्शन इतना अच्छा ठीक ठाक होता है, बस आप जा सकते हो, और बहुत ज़्यादा नहीं होता है, बट हाँ ये है कि थोड़ा बहुत ठीक ठाक सही हो जाता है। बस आज हम लोग कन्फ्यूज थे पिज़्ज़ा हट जाएँ कि डोमिनोज जाएँ कि सीसीडी जाएँ, मैंने कहा घर में खाना तो मैंने बनाया ही है, तो चल के कुछ सीसीडी में कुछ खा पी लेते हैं, थोड़ा बहुत आए हैं तो कुछ मुँह मीठा हो जाए। बस आज कुछ मीठा मीठा था, बिहार में भी कुछ इतना खाया नहीं क्योंकि हस्बैंड का मूड नहीं हो रहा था, तो मैंने कहा चलो फिर बिहार नहीं तो सीसीडी सही। तो बस अब यहाँ से हम लोग जो हैं गेट तक आ गए थे, ठीक है फ्रेंड, फिर वापस गए, फिर वापस यू टर्न मारा देखिए, और फिर से जो है सीसीडी में एंटर हो गए हम लोग। मैंने सोचा आज आप लोगों को सीसीडी भी दिखा दूँ यहाँ का, शिमोगा का, और उसका इंटीरियर भी बहुत ही अच्छा है थोड़ा सा, तो मैंने कहा चलो आप लोग भी इसको देख के और एंजॉय करिए मेरे साथ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये यहाँ का इतना अच्छा सा छोटा ही, छोटी सी, मतलब बहुत ज़्यादा स्पेशियस नहीं है, बट है बहुत अच्छा, ठीक है, इंटीरियर वाइज देखो आप, और कहते हैं ना पीस है बहुत ज़्यादा, मतलब आओ सुकून से बैठो, कोई बहुत ज़्यादा क्राउड नहीं होता है, बहुत ही कहते नहीं है लिमिटेड लोग होते हैं, तो इंसान बैठ के सुकून से कुछ इंसान बात कर लेगा सुकून से, और थोड़ा सा पीसफुल है बहुत ज़्यादा यहाँ पे। तो बस यहीं पे हम लोग आए, तो बस अब हम लोग देख रहे हैं कि क्या लिया जाए, वहाँ पे समझ में नहीं आया, मैंने कहा चलो अपना जो है वो जगह जो है वो थोड़ा चेंज कर लेते हैं, यहाँ से अपने व्यूवर्स को भी मैं अच्छा व्यू दिखा सकूँ, तो बस यही करते रहे। उसके बाद फिर जो है अब आप लोग आगे देखिए, बस फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने मेन्यू तो देख ही लिया था क्या है, कुछ इतना ज़्यादा तो खाना पीना नहीं था, मौसम भी कुछ ठीक ठाक नहीं था, लेकिन मेरा आइसक्रीम खाने का बड़ा मन हो रहा था क्योंकि बिहार में खा नहीं पाई थी, मैंने कहा चलो आज कॉफ़ी नहीं तो कुछ आइसक्रीम ही देखते हैं। तो बस मैंने सोचा आप लोगों को भी जो है यहाँ पे जो भी डिस्प्ले में चीज़ें थी मैंने सोचा ये दिखाऊँ, ये रेड वेलवेट केक तो बहुत यम्मी लग रहा है, बस ये यहाँ पे जो है कॉफ़ी मशीन थी, ड्रिंक्स थी, स्नैक्स इन लोगों के भी बहुत अच्छे होते हैं,
तो आप जाओ तो अपना कॉफ़ी और शर्स के साथ बहुत अच्छे से जो है अपना इसको ट्राई कर सकते हो। ठीक है, ये देखिए हम लोगों की यमी सी आइसक्रीम आ गई है। ऐसे तो मैं ज़्यादातर यहाँ पे चॉकलेट ब्राउनी या बनाना केक या कुछ इस तरह का, कॉफ़ी मुझे इतनी ज़्यादा नहीं पसंद है, बट ये है कि मैं कैपेचिनो इसमें पी लेती हूँ। और बाकी ये है कि यहाँ पे मैंने आइसक्रीम ली थी, ये वनीला कैरमलाइज थी, ठीक है, और विद आलमंड्स। तो ये यहाँ पे मैंने पहली बार टेस्ट करा बनाई है। मैं यहाँ पे जो है चॉकलेट ब्राउनी ही लेती हूँ और विद वनीला आइसक्रीम, बट मैंने कहा चलो यहाँ पे ये भी ट्राई करती हूँ आज। तो बस हस्बैंड ने नहीं खाई, मैंने अपने ही लिए ली, तो बस मैंने कहा ये भी आप लोगों से शेयर करूँ यमी यमी सी आइसक्रीम। अभी आप देखिए कितनी ज़्यादा ज़बरदस्त लग रही है। ये देखिए फ्रेंड्स, कैरमल देखिए इसमें जो है ना, आइस की वैनिला आइसक्रीम में, ये देखिए ज़बरदस्त था बहुत। आइसक्रीम बहुत टेस्टी थी, बहुत अच्छी थी। कभी कभी होता है ना, पहली चीज़ ट्राई करो वो अच्छी निकल आए तो चलो, इसमें भी लक होता है, वरना तो इंसान ट्राई करे अगर वो अच्छा नहीं है तो फिर जो बैड लक ही होता है। ठीक है, बस यहाँ से भी हम लोग निकल आए थे और यहाँ पे मैंने सोचा ये छोटे छोटे से क्यूट फाउंटेन है, इसको मैं दिखाऊँ आप लोगों को। तो बस फिर मैं ये दिखा रही थी आप लोगों को, लाइट्स देखिए इसमें कितनी अच्छी लग रही हैं। आज थोड़ा सा मतलब ये था क्राउड कम था, वीक डे में गई थी तो फिर इतना ज़्यादा क्राउड नहीं था, तो मैंने कहा चलो बस ये छोटा छोटा जो है आप लोगों के लिए बस मैं वीडियो इसकी बना लेती हूँ और शेयर करूँगी। और बस फ्रेंड्स यही है, और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और प्रेस करिए बेल आइकन फॉर द न्यू वीडियोज़। और तब तक के लिए इंशाल्लाह खुदा हाफिज़, टेक केयर, इंशाल्लाह जल्दी हाज़िर होंगी एक नई वीडियो के साथ।